जी हाँ, बराबर याद है, क्योंकि वो मेरा ही पहला कॉन्सर्ट नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान के शास्त्रीय संगीत में संतूर का वो पहला क्लासिकल कॉन्सर्ट था, इस वजह से याद है। और ईश्वर की कृपा से मैं चूंकि चाइल्ड प्रोडिजी था, जैसे बताया जाता है, तो वो हार्डली उस वक्त में लगभग 5 साल का था जब वो प्रोग्राम मेरा, बहुत ज़्यादा देर का तो था नहीं, 5-6 मिनट का ही था, कश्मीर के एक, उस वक्त एक ही ऑडिटोरियम था वहाँ, तब तक जो एक और बड़ा वाला ऑडिटोरियम है टैगोर हॉल वो बना नहीं था, तो ये नीडोज़ होटल एक जगह थी, बहुत ही अच्छी जगह, बड़ी खूबसूरत जगह, वहाँ का ऑडिटोरियम था। और मेरे फादर का जो एक इंस्टीट्यूट था, संगीत महाविद्यालय, जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कश्मीर के कल्चर और हिस्ट्री में, तो वो उनका फेस्टिवल था, उस फेस्टिवल में मुझे प्रेजेंट किया गया था, 1953 ईयर था। और उस वक्त मेरे ग्रैंडफादर तो थे ही थे, पंडित समसार चंद सोपोरी साहब, और सबकी दुआएं थी, तो मैं बजाया, एक नई वेव क्रिएट हो गई कि अच्छा क्लासिकल म्यूज़िक संतूर पर। तो इमीडिएटली रेडियो कश्मीर श्रीनगर एक वाहिद इदारा था उस वक्त, मीडिया तो वैसे ही, रेडियो तो उस वक्त तो बहुत ही पॉपुलर था, तो उन्होंने बच्चों के प्रोग्राम में मुझे बुलाया 1954 में। उसके बाद फिर स्टेट ने प्रमोट करना शुरू कर दिया, जब भी उनके फंक्शंस होते थे, जो भी आते थे, VIPs आते थे, तो बख्शी साहब की हुकूमत थी तो कल्चर पे काफ़ी ज़्यादा जोर उन्होंने दिया, और जो प्रोग्राम्स होते थे उनमें मैं बजाता था फिर, या जैसे क्लासिकल म्यूजिशंस आते थे, अमीर खान साहब आए थे, उस्ताद अमीर खान साहब थे, उस्ताद बड़ेगुलाम अली खान साहब थे, और इसी तरह से बहुत सारे जो लेजेंडरीज रहे हैं हकीकतन, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने मीडिया से अपना नाम नहीं कमाया, गुनों से नाम कमाया, डोल पीटने से नहीं, तालीम से, कसब से, रियाजत से, साधना से, और देन जो उनकी देन है, तो वो वही लोग थे। उनके रिसाइटल के से पहले मेरा प्रोग्राम रखा जाता था। मुझे याद है कि उस्ताद अमीनुद्दीन खान, नसीर अमीनुद्दीन खान डागर साहब जो पहले वहाँ आए थे, उनका रिसाइटल था, तो मेरा भी प्रोग्राम रखा गया था। फिर मैं थोड़ा थोड़ा, वो अब वो 5 मिनट तक महदूद नहीं था, बल्कि वो टाइम गैप बढ़ गया था, तो सभी देखते थे कि भाई संतूर जैसे साज पर क्लासिकल कैसे आ रहा है। हमारे घराने का साज तो था ही था, मैं तो 8वीं पीढ़ी संतूर घराने का ही था, और इस कंट्री में ये साज तो हमारे घराने से है, और सूफियाना घराना है। और उसके बाद फिर 1959 में इलाहाबाद में फंक्शन हुआ, वो उस वक्त इलाहाबाद बहुत बड़ा कल्चरल सीट था, प्रयाग संगीत समिति का 6-7 दिन का प्रोग्राम होता था, फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक की बहुत ही बड़ी फैकल्टी थी, बाकी एक से एक बढ़कर प्रोफेसर सर म्यूजिकोलॉजिस्ट वहाँ थे, तो वहाँ मेरा प्रोग्राम हो गया। मेरे फादर मेरे साथ थे, 1959 ईयर था, तो पहले उनको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ा कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या है और इस पे कैसे आता है, तो सबको बड़ा अच्छा लगा था, वाह कि भाई और बच्चा बजा रहा है, तो लोगों ने बड़ा सराहा इस चीज़ को, और इनिशियली बड़ी अप्रिसिएशन भी हुई, लेकिन साथ में ये भी था कि ये साज की रीच कहाँ तक है, जहाँ तक कि शास्त्रीय संगीत का ताल्लुक है। साउंड तो बड़ी अच्छी होती है, वाइब्रोफोन जैसा इंस्ट्रूमेंट तो सेलेशियल साउंड लेके चलता है वो, पर उसमें रागदारी तो होती नहीं है, या छोटा सा फ्लूट हो वो सुनने में अच्छा लगता है, पर उसमें राग का क्रिएशन नहीं हो पाता, बड़ा बनाना ही पड़ा था। पन्ना लरगोई साहब का मुझे याद है कि जिस वक्त तो साथ देते तो कितना, जो इस वक्त बहुत मेजर फ्लूट कहलाता है, जो ख्याल अंग की गायकी के लिए हुए हैं, तो उस पर उन्होंने किया और कैसे करना पड़ा। तो इसी तरह एक रिक्वायरमेंट होती है कि साज क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है, क्या वो टेक्निकल न्यांसेस डिपिक्ट करता है जो शास्त्रीय संगीत की रिक्वायरमेंट है। तो ये सवाल फिर शुरू हो गए, पहले पहले तो ठीक ही था कि भाई बहुत अच्छा लगता है और ये सब है, वो सब चेंज ओवर के लिए, तो फिर उसके लिए फिर बाकी काम शुरू हो गया। तो मुझे इस वजह याद है कि जहाँ से ये मेरी शुरुआत हुई थी, तो ये वो ईयर था। देखिए संतूर, मैं मेरी एनालिसिस जो है, मैं हिस्ट्री के साथ एग्री नहीं करता, क्योंकि हिस्टोरियंस
हर चीज़ में अच्छा लिखते हैं, लेकिन जब कल्चर की बात आती है उनको रिपोर्टिंग ठीक नहीं होती, वो सुनी सुनी बातों पे जाते हैं या जनरल एक आइडिया लगा देते हैं, अपने किताब के दो पन्नों में उसका जिक्र कर लेते हैं। पर भारत जैसा देश कल्चर के माध्यम में दो पन्नों के हिसाब से नहीं चलने वाला। यहाँ 2000 पन्ने, 2 लाख पन्ने भी कम हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है कि हिस्टोरियंस ये कहते थे कि साहब ये वाद्य यंत्र जो है कश्मीर का नहीं है, इंडिया का नहीं है, बाहर से आया। कब आया यहाँ ये ज़रूरी कहना मैं चाहूँगा, क्योंकि हिस्ट्री से डील करता है। कब आया सब, ये वर्षा के वक्त आया कश्मीर, चलिए मान लेते हैं वर्षा के वक्त आया। वर्षा 15वीं सदी में है, ऑलमोस्ट 14वीं 15वीं सदी में। शततंत्री वीणा एक साज है जिसमें 100 तार थे, इसमें नीलमत पुराना में भी रेफरेंस है, और वो उसको 2500 साल पहले प्लेस कर लेते हैं, जबकि वीणाओं का इतिहास आता है उसमें। शततंत्री वीणा, सहस्रतंत्री वीणा, दत्तंत्री वीणा, कत्यायनी वीणा, रुद्रवीणा, ऐसे बहुत सारे वीणाएं हैं जिसमें एक वीणा शततंत्री वीणा है। शततंत्री वीणा किससे बजता है? काष्ठ से बजता है, यह काष्ठ है, कलम है, संस्कृत वर्ड काष्ठ है। सौतार है, सौतार हैं। 25 ब्रिज थे, बाद में मेरे फादर ने 27 कर दिए थे, तो मंद्र सप्तक को लाने के लिए, क्योंकि सूफियाना गायकी में मंद्र सप्तक नहीं है, वो मध्य सप्तक तार सप्तक का ही रेंज का गाना है। तो अगर साज की रेफरेंस 2500 साल पुरानी है, सौतार वाला इंस्ट्रूमेंट है, ईरानी वाद्य में शायद सौतार है नहीं, तो वो शततंत्री कैसे कहला जाएगा? यानी अब ये मतलब ये तो टेक्निकल डिस्कशन की बात है, मैं ज़्यादा इनमें यहाँ बयान इसका नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो इंट्रोडक्शन या ये जो रेफरेंस दी गई कि साहब ये इस तरह से आया, ये बेसिकली गलत है। खासतौर पर जब आप कश्मीर का सर्वे करेंगे, एक से एक बढ़कर आपको संस्कृत स्कॉलर वहाँ मिलेंगे। जिस वक्त पर्शियन की भी बात आती हो, आपको एक से एक बढ़कर पर्शियन स्कॉलर आएगा आपके वहाँ हैं। पोइट्री लिटरेचर तब तक फबदा नहीं जब तक कि उसका पूरा सिनारियो संगीतमय ना हो, तब तक वो कभी पॉपुलर नहीं हो सकता, ना ही वो उतना बढ़त कर सकता है, ना ही उसका इतना आप देखेंगे कि इतना वैरायटी ऑफ लिटरेचर आपके सामने आएगा। तो क्या 14वीं सदी तक कश्मीर ब्रोक था? कश्मीर में कुछ नहीं था, वहां सिर्फ खाना पकाना ही होता था और चरीज और यही खाए जाते थे, ऐसा नहीं, बल्कि वहां पे बहुत कुछ था जिसकी देन हमारे भारत देश, भारतवर्ष की पूरी पूरी कंट्री को जिसकी देन है। उसमें संस्कृत लिटरेचर है, उसमें इतना बड़ा सरमाया है वो, और वही देन वहां से ये वाद्य यंत्र भी है जो आया। अब इसकी साउंड, अगर हम सिर्फ साउंड को लेंगे, सबसे बड़ी दिलकश साउंड है, क्योंकि रिंगिंग ऑफ बेल्स के साथ ही जाता है, तभी ये सारे योगीज और सन्यासीज और पीर और फकीर और दरवेश, जिनके लिए मैं जिंदगी का मेजर हिस्सा मैं उनके बजाते गया है मेरा, उनके साथ साथ रह के, तो वो इस चीज़ को सराहते थे, सुनते थे, उनकी मेडिटेशन का जरिया बन जाता था, क्योंकि 12 से 4 बजे तक सुबह 9 तक मैं बजाता था। तो वो जो चीज़ें देखा हूँ मैं, उसका जो इन्फ्लुएंस देखा हूँ मैं कि कैसे ये जनरेट करता था, क्या साउंड होती थी, कि पूरा जंगल सन्नाटा सुनसान, एक लैंप जल रहा है, बल्ब नहीं बल्कि जैसे आप कहे लालटेन, वो जल रहा है या दिया जल रहा है, उसमें साउंड आ रही है, आप सुन सकते हैं, आप इमेजिन कीजिए। साउंड होगी,
और ये साउंड ह्यूमन सिस्टम से बहुत क्लोज है, ह्यूमन सिस्टम को पेयर्स करके जाती है और उसमें से बहुत सारी जो आप समझिए कि एक एनर्जी जो ये दे देता है ये साउंड। लेकिन साउंड से शास्त्रीय संगीत नहीं बजता। आप कहेंगे कि साउंड बहुत अच्छी है और राग तैयार हो गया, ऐसा नहीं है। राग की अपनी रिक्वायरमेंट है, राग की अपनी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो गाना है, 100% गाना है। और तंत्र वाला क्या करता, तंत्र वाला कोशिश करता है कि उस गाने की अकासी मेरे साज के जरिए हो, और वही करते 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 मेरी जिंदगी ऑलमोस्ट खत्म। तो अब यह था कि जिस वक्त सूफियाना गायकी होती थी, अब सूफियाना गायकी जो हमारे प्रेडिसेसर्स गाते थे, तो कैसे होता था, Nibiri dopunam Andar ऐसे गाना आता था, फिर मकाम बंदी आती थी। ये सस्टेन नहीं है, ये जर्ब से सस्टेन है, लेकिन शास्त्रीय संगीत में ये नहीं माना जाता। शास्त्रीय संगीत में कैसे आना चाहिए, क्योंकि तो एसेंशियल्स हैं उसके। अगर ये नहीं आएगा तो यही 1915 में कहा गया था, 59 में, साहब ये साज तो बहुत अच्छा है लेकिन गाने के लिए ऐसे मिसफिट है ये। हाँ, कुछ देर के लिए तो ठीक है लेकिन फिर मोनोटोनी होती है। तो वो मोनोटोनी तोड़ने के लिए फिर मैंने इसकी डेवलपमेंट शुरू की कि कैसे हो सकता है ये, कहाँ से फिर ब्रिजेस बढ़ गए। 25 ब्रिजेस से मेरे फादर ने 2 ऐड किए थे, 27 तो मंद्र सब तक खड़ा हो गया था। उसके बाद करते करते फिर मैं 29 का हो गया, फिर 31 का, 33, इस तरह करके अब ये 44 ब्रिजेस वाला इंस्ट्रूमेंट है। अब ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि सस्टेन का माध्यम से लेके, फॉर एग्जाम्पल ये इंट्रोड्यूस करना, आप समझे कि मेरी ज़िंदगी के कम से कम 10 साल चले गए इसे में, इसको कैसे किया जाए। फिर तरब का आ गया, तरब को लिया जाए, फिर चिकारी कैसे आएगी, ब्रिजेस की क्या पोजीशन रहेगी, संतूर का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, कितना बड़ा होगा, तूंबा जुड़ गया, क्यों जुड़ा, ये सिर्फ शौकिया तो है नहीं, बल्कि अगर आप ऐसे नहीं रखेंगे इस साज को तो जो काम है, मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। Thank you.
तुमने एक लाइन सांझ भए तो ये तभी क्रिएट होगा जबकि बजेगा। अगर बजेगा नहीं, अगर इस ढंग से मैंने ये कि फिंगर की क्या मूवमेंट होगी, दो से क्या होगा, प्रेस करने से क्या होगा, रिस्ट की मूवमेंट क्या होगी, शोल्डर से कैसे आएगा, जैसे ये शोल्डर से आता है, यानी गवैयों को मैंने इसी साज में उतारा, तो वो तो अपना टोल तो लेगा ही, वो तो अपने ईयर्स तो लेगा ही, एक साथ तो हो नहीं सकता। ये सिर्फ थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज जिस वक्त मैंने ये बोल इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें कट बोल मैं कहता हूँ कि जो पाम से आता है, करते करते कि किस ढंग से लाया जाए, उसके लिए कलम का वेट क्या होना चाहिए, कैसा आकार रहेगा, अभी भी यही चल रहा है। अभी भी इसमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बाकी है। जब मैं पखावज के साथ द्रुपद अंग से है तो फिर द्रुपद ही आना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ शोकिया नहीं होती, शोकिया घर में होता है। लेकिन जब आप डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, आप अनाउंस करते हैं कि साहब मैं ये राग है, फॉर एग्जाम्पल ये गावती था और मैं बता सकता हूँ कि ये गावती है भाई, जब मैं बजा रहा हूँ तो जाहिर है आप उसको उसी ढंग से लेंगे कि होना चाहिए, ये दो स्ट्रोक में पता लगना चाहिए, हाँ साहब ये गावती है, ना कि पूरा रिसाइटल जाए तो आपको पता ही ना हो कि क्या हो रहा है। वो हमारे घराने में नहीं चलता, हमारे में अपने ही नकाल बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर हैं, ईश्वर की कृपा से अगर उनको मेरा काम कोई अच्छा नहीं लगता, इमीजिएटली बताएंगे साहब ये बात नहीं बनी आज, तो सीधी सी बात, मुझे अच्छा लगे या बुरा। वो ये कह रहे हैं कि सच बताना हमारा फ़र्ज़ है, सत्य पे हमारा चलना हमारा फ़र्ज़ है, अच्छा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है भाई थोड़ा सा कर लेना ज़रा इसकी ओर देखना, फिर आपकी मर्ज़ी आप करो या ना करो। लेकिन ये नहीं है कि यू नो कि एफर्ट्स को आदमी कर ना पाए, फिर ये बोले कि साहब ये क्या होता है, वो ग्रेप्स और सौर की बात है। हम तो कहेंगे करके दिखाओ भाई, ताकत है तो कर लो, और अगर इतना है तो फिर दिखा दो ज़रा, कोई नई बात बताओ जो आप हम नहीं जानते, आप जानते हो। और ईश्वर की कृपा है कि मुझे लगता है कि मेरे हकीकतन मेरे बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, मेरे पीरों की दुआएं हैं जिस लैंड से मैं हूं। वरना कंपोजिशन के वर्क में मेरे लगभग 5,500 गाने हैं, 5 के बाद तो रिपीटेशन हो जाता है, जिंदगियां उसी में ख़त्म हो जाती हैं। और एक शैली का गाना नहीं है, आप सूफी के लिए लीजिए, हज़ारों गाने हैं, चाहे पंजाब है, चाहे राजस्थान है, चाहे सिंध है, चाहे कोई भी है, कहां से कहां मैंने ले लिया है। उर्दू शायरी का कोई शायर नहीं होगा वो जिसकी मैंने कंपोजिशन है, कि जिसकी मैंने कंपोजिशन नहीं, कुलियात अवेलेबल नहीं होगी, सीधी सी बात है। चाहे वो क्लासिकल से हो, मौलाना जामी हाली से लेके आज तक की जितनी भी हैं राइटर्स हैं। फिर सबसे बड़ी बात होती है कि मैंने पहले रीजन में ऑपरेट किया, रीजन की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, यानी अगर फोक स्ट्रक्चर्स हैं पहले आपको स्टडी करना पड़ता है, और बहुत डीपली स्टडी करना पड़ता है, वॉइस कल्चर देखने पड़ते हैं, बेहरिज्म देखना पड़ता है, एप्टीट्यूड्स एटीट्यूड्स अंडरस्टैंडिंग पोइट्री कंसेप्ट्स, पूरा ही सिनारियो देख के आपको कंपोजिशन करना पड़ता है। ये नहीं है कि बाजा ले लिया, धुन बनाई, लो जी हो गया, वो पता नहीं कहाँ से आई है, ये उसको खबर भी नहीं होगी किससे सुन के आई है। तो इसके लिए फिर मुझे ये देखना पड़ा कि भाई लद्दाख क्या करता है, हमारी कंट्री सामने है, उनका भी असर होता है, वो वहाँ क्या हो रहा है, या हमारे से जुड़ा हुआ है जम्मू हमारा दूसरा एरिया,
भाई वहाँ क्या हो रहा है, पंजाब का है, ताकि कंपटीशंस में कहीं उसकी छाप ना आए और कश्मीरियत, कश्मीरी फोक ट्रेडिशन, कश्मीरी सूफियाना ट्रेडिशन वो बरकरार रहे, उसमें फिर कंपटीशन करना। कम से कम 4000 गाने हैं, मजाक थोड़ी है जी। वो कोई शायर नहीं है कश्मीर का जिसकी कंपोजिशन मैंने नहीं की, जिसकी मैंने नहीं की वो शायर है। देखिए, सूफी परंपरा में सबसे बड़ी है इबादत, सच्चाई, ईमानदारी, डेडिकेशन, डिवोशन, प्योर चिंतन, साधना। हमारे बुजुर्ग जितने भी थे, मैं तो ये नहीं बताऊंगा कि भाई वो फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ थे, नहीं थे। हालांकि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को तो बहुत बड़ा लैंड जागीर में मिला था, वो जाते भी नहीं थे वहाँ। उन्होंने बताया था कि जिन जहाँ से मिला कि भाई एक कुटिया बना देना, हम लोग वहाँ आया करेंगे। वहाँ सारे पीर फकीर उसी जगह आते थे, सारे दरवेश वहाँ होते थे, जिनके लिए उनका गाना बजाना ज़्यादा होता था। आम जनता को वो कहते ना, आना है तो वहीं आ जाओ। ये सूफी परंपरा में आप देखेंगे, बाकी घरानों में भी यही है कि जब वो बैठक में जाते हैं तो वो देखते थे कौन कौन है, अगर कोई नया चेहरा है, हाँ भाई कहाँ से आए, पूछताछ करते थे ये जानने के लिए कि क्या ये अप्रिशिएट करेगा इस म्यूज़िक को कि नहीं। थोड़े से हार्डकोर थे वो उस हिसाब से, एक हिसाब से अच्छा है, एक हिसाब से आजकल के वक्त में अच्छा नहीं है, पॉपुलरिटी उसे रुक जाती है, लेकिन उनका अपना सोच था। तो वो भी विरसा मुझे मिला, जिसमें पहली बात ये है कि तुम अगर कर रहे हो क्यों और कैसे, ये बताओ भाई, जो भी चीज़ तुम कर रहे हो। यानी अगर मैं आता हूँ, कोई तान आता हूँ मैं, तो आपको जस्टिफाई करना है क्यों, यही क्यों। या कोई कंपोजिशन आप आ गए, वो पूछे क्यों भाई, इसमें आपने क्या देखा, जो बात, यानी वो सिस्टम जानना चाहते हैं आपके कंपोजिशनल वर्ल्ड का, आपकी म्यूजिक अंडरस्टैंडिंग का, आपकी एनालिसिस का, आपकी डेप्थ का। देखिए, शारंगदेव साहब ने कंपोजर को क्या डिफाइन किया है, कंपोजर वो कहते हैं कि वो है जिसको सारा सोशल सेटअप पता हो, जिसको रीजनल संगीत पता हो, जिसको कंट्री के संगीत की शैलियाँ पता हो, जिसको वर्ल्ड म्यूजिक पता हो, जिसको लिटरेचर पता हो, जिसको रस्म रिवाज हर चीज़ पता हो, वही कंपोजर बन सकता है। उस हिसाब से तो बड़ा बड़ा मुश्किल है ये टर्म, है ना, उसको आप उस जगह तक पहुँचना, पर पहुँचने वाले पहुँचे हैं। हमारे फिल्म जगत के ऐसे भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं जिनमें ये परफेक्शन था, जिनकी मुझे लगता है कि हज़ारों जो गाने, लाखों गाने अब तक जो आए हैं, सरमाया है एक बहुत बड़ा, उन लोगों की ताकत थी, उन्होंने स्टडी किया था, स्ट्रगल किया था, जानकार थे, इल्म था, हुनर था, कसब था, मेहनत कश थे और हासिल किया। तो ये बड़ा बहुत ही ज़रूरी है, यही परंपरा हमारी में थी कि भाई आप कर रहे हो, आपने जो भी चीज़ की उसका कोई रीज़न होना चाहिए। और तभी जब मेरी परवरिश हुई तो मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने ज्ञान तो दिया ही, जितना थोड़ा बहुत मैं ले पाया, लेकिन कुछ चीज़ें जो विरसे में मिलती हैं, मतलब ये था कि उन्होंने मुझसे ये कहा था कि तुम्हारे बारे में कोई ये ना कहे कि भाग्य का खाता है। हाँ, ये बोले भाग्य ने नहीं दिया, ये नहीं कहे भाग्य का खाता है। अगर उस हिसाब से देखा जाए, मुझे लगता 90% लोग तो भाग्य का ही खा रहे हैं। कितने परसेंट है जिनकी वाकई इबादत है, जिनको उतना ज्ञान है, जो उसमें रचे हुए हैं, मतलब उसी में घुल मिल गए हैं, बहुत कम है। मुझे इससे गर्ज नहीं है कि मैं ये करूं, टिप्पणियां करूं कि ऐसा वैसा, कि हर अपनी की प्रायोरिटी है, हर आदमी अपने ढंग से जीता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या हो जाता है कि एक बैड कंपोजर, एक बैड म्यूजिशियन उतना एटम नहीं डैमेज करेगा, जिसे हम कहें कि एटम लाख को मारेगा, 10 लाख को मारेगा, लेकिन आपका बैड, जो इससे कहें कि बुरा संगीत, बुरी रचनाएँ जनरेशन टू जनरेशन ख़त्म कर देती हैं, आपका सारा हुलिया बदल डाल देंगे। ये कितना डेडली है, ये नहीं होना चाहिए। तभी मैं बार बार हर जगह यही कहता हूँ कि हमारे नेशन में ईश्वर की देन है, एक से एक लीजेंड्स गुजरे हुए हैं, एक से एक बढ़कर हमारे राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, पेंटर्स हैं, क्या क्या नहीं है यहाँ, फिलोसोफर्स हैं, एक से एक बढ़कर। लेकिन अभी हम लोग आर्ट की दुनिया को परखे नहीं हैं और आर्ट से जुड़े हुए लोगों की इज्जत नहीं करना जानते। आप ये मैं वाजे करके बता रहा हूँ, बड़ा कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि जो सोसाइटी अपने इस रिच हेरिटेज को पहले ना पहचाने और उसको प्लेसमेंट अपर ना दे, बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वाकई ही प्रॉब्लम्स। अगर आप इसको साइकोलॉजिस्ट को दे देंगे और उनको बोलेंगे इसके एनालिसिस कर लो, वो देखिए कि क्या वॉल्यूम्स इसके बारे में लिखें कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इस वजह से हमें डिविएट नहीं करना होता है ट्रेडिशन, क्योंकि डिविएशन तभी आ जाती है जब आप में लगन नहीं,
जब आप में सलाहियत नहीं, जब आप में त्याग का जज्बा नहीं, तो आप डिवेट कर जाते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। पर शास्त्रीय संगीत या कोई भी प्योर संगीत, चाहे फोक ही क्यों ना हो, वो ये सारे शॉर्टकट्स मानता नहीं है, चमक दमक नहीं मानता। ज्ञान, आपका रियाजत, आपका चिंतन, आपकी साधना, आपका सेक्रीफाइस, और तभी आपके वर्ड्स में वो थ्रो आता है, आपके गाने बजाने में थ्रो आता है। क्योंकि जब भी आपके आप में वो बस गया होगा, तभी छलकेगा आपके सांस पर, अदरवाइज नहीं छलकेगा। बड़ा ही रियर आपको अच्छी देर ये दास्तान लगेगी। मैं जब मुझे एडमिशन हुआ वहाँ ग्रेजुएट स्कूल में, मैं वेस्टर्न म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं जानता था, एक लफ्ज नहीं। मैंने एक कंपोजिशन भेज दी, तो वहाँ जो चेयरमैन थे, यूनिवर्सिटी ऑफ मिजरी थी वो, सेंट लुइस मिजरी, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी मिजरी में, तो उन्होंने कहा कि भाई इनको बुलाओ। और मेरा एडमिशन हो गया। मेरा जितना भी मुझे याद है, उन दिनों 1500 या $1600 फी रहा करता था, बहुत बड़ी रकम थी उस वक्त, तो सारा रिमिट कर दिया गया। मुझे टीचिंग असिस्टेंट बनाया गया ताकि मुझे कुछ वहाँ मिले, और उन्होंने कहा कि आप काम करिए, कंपोजिशन को स्टडी कर लो। और मेरा भी दिल था कि मैं कंपोजिशन की बारीकी को जानूं, क्योंकि मैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट तो बजाता था, कंपोजिशन करता भी था, लेकिन मैं अंधेरे में नहीं तीर चलाना चाहता था कि लग गया ऐसा नहीं। मैं जानना चाहता था कि आखिर ये सिस्टम है, और वो सिस्टम उनका साइंटिफिक है, उनका मुकाबला कहीं नहीं। वो जो कंपोजर्स हैं वो तो पता नहीं कहाँ से आए हैं, सीधी सी बात है, इतने ब्राइट हैं जैसे मोजार्ट हैं या बेथोवन हैं। उस चीज़ को जानने के लिए मैं गया था कि मैं भी थोड़ा सा ज़रा मुझे ये मिले कि प्रोसेस क्या है। ईश्वर की कृपा ये थी कि मेरा वहाँ जो मेल हो गया वहाँ के कंडक्टर्स से, वहाँ कंपोजर्स जो उस वक्त कंटेम्पररी थे, और जो बाकी स्टूडेंट म्यूज़िक स्टूडेंट्स थे या मुझसे जो सीखने लगे, तो एक ऐसा माहौल था कि मैं उसके काफ़ी क्लोज चला गया कि क्या क्या कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है ये कंपोजिशन, अगर आ रही है किसी ने ये लिखा, क्यों लिखा है, क्या चीज़ क्या दर्शाता है। तो ये एक साइंटिफिक पैटर्न था, ये सिस्टम था जिस चीज़ को मैं जानना चाहता था। करते 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 एक दिन अचानक मैं देख रहा हूँ कि मुझे अपने से ही ख्याल आया, मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, यहाँ से तो मुझे तो मैं तो कंपोज़र बनूंगा ही ईश्वर की कृपा से, जो ये सारे कह रहे हैं इतना है ईश्वर की देन मुझ में, लेकिन मेरा संतूर कहाँ पहुँचेगा, कहाँ तक। ऐसा तो नहीं हो कि मैं चमक दमक में ही ड्रिफ्ट अवे हो जाऊँगा, हॉलीवुड पहुँच जाऊँगा तो यहाँ सारा खाली रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये वो सोच भी ईश्वर की ही देन थी। मैं वापस चला आया, फिर मैं फिर से श्रीनगर चला गया, वहाँ से फिर मैंने शुरुआत की दोबारा। क्योंकि अगर मैं हकीकत वहाँ नहीं गया होता, जो रिच म्यूजिकल कल्चर ऑफ उस स्टेट का देख रहे हैं, वो आप नहीं आपको मिलता। चंद दुने थी, चंद दुने फोक सॉन्ग्स, और उतना जो एक एबंडेंस में, जिसे आप कहिए कि एक क्वायर आ गया, ऑर्केस्ट्रेशन आ गई, नई नई मेलोडीज आ गई, सारे सूफियाने का एक सूफी राइटर्स का एक रिवाइवल हो गया, एक रिनेसांस जिसे कहते हैं उस पीरियड को, वो वहीं से शुरू हो गया, और वहीं से संतूर का जो मुझे करना था काम, वो यह बाद में हो पाया, अदरवाइज ये सारी चीज़ें रह गई होती। हाँ, पैसा ज़रूर आया होता, नाम ज़रूर आया होता, बहुत ज़्यादा नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे जैसे आप कहिए। सही दिशा में चल रहा है, ये ईश्वर की कृपा है। और ये आइडिया भी मुझे एक बड़े ही अजीब इंसिडेंट से आया, जिसका मैं बयां करना चाहूँगा। मैं ऑल इंडिया रेडियो में था, डायरेक्टर प्रोग्राम्स बहुत कम लोग जानते हैं, वो जानते हैं ये ब्रॉडकास्ट रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि मैं वहाँ था, स्टाफ पे था। तो इस डायरेक्टर प्रोग्राम्स मैं जब शेड्यूल करता था आर्टिस्टों के नेशनल प्रोग्राम्स, और ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट गा रहा है, लाजवाब, हिंदुस्तान के किसी कॉर्नर में, दिल्ली पहुँचा ही नहीं जिंदगी में कभी, ये देखते 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 मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा ये लोग इनको कब सुनेंगे, वो तो गा रहे हैं और उनका अपना ज़िंदगी तो बीत जाएगी, ऐसी बात नहीं है, म्यूजिशियनों को तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों तक जो चीज़ पहुंचनी चाहिए वो कैसे पहुंचेगी, क्योंकि इतनी जिसे आप कहें ना कल्चरल वल्चर्स हैं यहाँ, आने नहीं देते लोगों को,
आने नहीं देते। एक ही टोला ऑपरेट करता रह रहा था, एक ही टोला, वही हर महीने यही है, वही राग, वही कुर्ता, वही सेटअप, वही 10 लोग बैठे हैं, गा बजा रहे हैं, पता नहीं क्या गा बजा रहे हैं, ईश्वरी जाने, वही 10-15 लोग अपने बैठे हुए। मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस चीज़ को सेंसर नहीं करिएगा, ऑन एयर जाने दीजिएगा इसको, क्योंकि ये हमारे ट्रेडिशन की एक, आप समझिए कि एक स्लैब था पूरे ट्रेडिशन पर। अगर मैं आपसे 10 आर्टिस्टों के नाम गिनाऊंगा, आपने सुने नहीं भी, देखा भी नहीं होगा, लेकिन उनका मकाम आप देखिए किस जगह है, उनकी आर्काइवल रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे, आप रहे नहीं बेचारे, आप ये कहेंगे कि क्या बात है भाई इस आर्टिस्ट की, क्यों नहीं आया वो यहाँ, क्यों नहीं उसको गवर्नमेंट रिकॉग्निशन दी, क्यों वो गरीबी में मर गया बेचारा, चंद आर्टिस्टों को सिखा के, चंद स्टूडेंट्स को सिखा के। एक दफ़ा बड़ा मुझे बहुत ही जोल्ट उस वक्त लगा जब मैंने किसी आर्टिस्ट को फ़ोन किया, मुझे बताया गया कि साहब उसकी डेथ हो चुकी है, जब वो सर्वाइव कर रहा था। किसी ने मुझे बोला नहीं साहब वो नहीं है, वो तो जिंदा है, तो मैंने फ़ोन नंबर करके उसको जब फ़ोन किया तो मैंने कहा कि मैं इस तरह से बोल रहा हूँ, टेलिंग यू बिफोर मैन गॉड, वो रोया फ़ोन पर, बोला आज मुझे किसी ने 15 साल के बाद याद किया साहब। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि नहीं आप ऐसा कर लीजिए, आप गाइए जो चीज़ आपको चाहिए, ऑलरेडी रेडियो देता है, हर लिहाज से सपोर्ट करता है, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस इदारे का, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कल्चर को जिंदा रखने के लिए। फिर उनकी रिकॉर्डिंग हो गई और उम्र भी हो गई थी, तो मैंने उस वक्त मैं फिर वहाँ से छोड़ छाड़ के आया और सामापा शुरू कर दिया। और पहला यही था कि मैं यूथ को पहले उठने तो दो, आपको यूथ तो आगे नहीं आने आ रहा है, जो इस चीज़ को, इस पेशे को, इस प्रोफेशन को, इस विरसे को टेक ओवर कर रहे हैं, अगर वही आगे नहीं आएंगे तो जिंदा कैसे रहेगा, आपको डायनमिज्म कैसे नज़र आएगा, चेंज ओवर कैसे नज़र आएगा। तो सामापा यहीं से शुरू हो गया। सामापा ये है कि जो सीनियर मोस्ट म्यूजिशियन है उनको इज्जत करे। सामापा ये है कि पुरानी पुरानी कंपोजिशन, रेयर रागास उनको प्रेजेंट कर लें, उनके घराने के ट्रेडिशन को लोग सुने, यूथ सामने आए, सीनियर्स के साथ यूथ आए, और अलग अलग जगहों पे कर लें। तो हम यहाँ ऑपरेट करना शुरू कर दिया, और ईश्वर की कृपा ये थी कि मेरा बेटा अभय वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गया। म्यूजिशियन तो है ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, कंपोजर तो बेजोड़ और संतूर प्लेयर बेजोड़ है इस उम्र का, लेकिन एक चीज़ होना कि दिल से किसी चीज़ को सराहना, ये विश्वास करना कि हम चलें तो कारवां चले, ये ना कि मैं ही चलता जाऊं बाकी सारे बाढ़ में जाएं, ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसमें से यही हो गया कि आने लगे म्यूजिशियन। एक इंसिडेंट में आपको सुनाऊंगा कि प्रोग्राम इस्लामिक सेंटर में था, एक बहुत अच्छे सितार नवाज, नाम नहीं बताऊंगा ना ही उनके गुरु का नाम बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़े रहे हैं, उन्होंने जब हमने स्टेज पे बिठाया, सीनियर्स के लिए फेस्टिवल था, उन्होंने अपना सितार रखा और ये कहा कि दिल्ली में पहली दफ़ा बजा रहा हूँ पिछले 55 ईयर्स में। ये क्या है ये साहब, ये तो ट्रेजेडी है कि एक आर्टिस्ट, इतना नामी आर्टिस्ट, इतना काम किया हुआ, अब पहली दफ़ा बजा रहा है। वो ये एक आर्टिस्ट की फीलिंग नहीं है बल्कि बहुत सारों की है, 30-30 साल के बाद दिल्ली आ रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं। तो ये जो एक सिस्टम में खामी आई है, जो इसमें एक आदमी सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, अपॉर्चुनिस्ट हो गए हैं, सामापा उसके खिलाफ है। और सामापा ये है कि जो हमारे दूर दराज एरिया के बच्चे हों तो उनको प्रमोट कर लो, क्योंकि अगर कोई बच्चा कश्मीर से, कुपवाड़ा से आया है, अब ये एरिया है बॉर्डर एरिया, आप उसको एट पार लेंगे यहाँ के किसी से, टैलेंट में उसके कम नहीं है पर उसके वसाइल ही नहीं है बेचारे के, उसके उसका जो सराउंडिंग है, वो माहौल, उसको वो प्रमोशन ही नहीं दे रहा है। अब उसको आपको तैयार करना है, वो तो तैयार तो किसी को तो करना पड़ेगा ना, सामापा वही करता है। और सामापा एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि एक समझे कि एक रिवोल्यूशन है, और जो सबका है, ये हम सिर्फ हमारा इदारा नहीं है बल्कि ये सबका है, और सभी की सजेशन, और सभी इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें सिर्फ हम ही इन्वॉल्व नहीं हैं। कोई भी चीज़ आप देखिए, अगर आप उसको गाने के हिसाब से तोलना शुरू कर देंगे,
अगर मैं सीधा ही लूं तो ये कट नोट्स में आएगा, पर राग की रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं है। राग की जो प्लेसमेंट ऑफ नोट है यानी ये जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है एक राग के बढ़त की शास्त्र के हिसाब से वो आना चाहिए, और वो ये है। चाहे उसको अलाप के अंग में आप ले लीजिए, जैसे मैं जोड़ में आता हूं तो देखिए कैसे आएगा। हर नोट का अलग 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 शेड आना चाहिए, उसकी प्लेसमेंट कितनी है, वो अगर दूसरे नोट के साथ आता है, ये सारा गुरु शिष्य परंपरा में ही बता जाता है, किताबों में रेफरेंस तो आ ही जाता है, लेकिन लगेगा कैसे तो वो तो सीना बसीना ही होता है कि साहब जब आप से पंचम पे आ जाओगे तो ये इस ढंग का लगना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ एस्थेटिक्स जो है, अगर आप सिर्फ टुक टुक ही करते रहें, टुन टुन करते रहें, जैसे जल तरंग में आ गया और थोड़े से बच गया, अब जो कुछ बच गया, तो उससे मन को तो ठीक लगेगा, हाँ भाई थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, लेकिन जो राग की ग्रेविटी है, जो उसका ग्रैंजर है, जो हम कहते हैं हम राग बजाते नहीं हैं बल्कि राग का श्रृंगार करते हैं, उसका पूजा करते हैं, तो श्रृंगार कैसा फिर? श्रृंगार है कहाँ फिर? आप टुन टुन ही करते रहो पूरा दो घंटा तो ठीक है, जो सुनने वाले हैं उनको शायद या तो खबर नहीं है या फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सुन सुन के, क्योंकि शास्त्रीय संगीत छूट नहीं देता जी आपको, वो नहीं मानता, वो ये कहता है कि जो कर रहे हो मेरे ढंग से चलो, तो उसको करते 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 जिंदगी निभ जाती है। जब आदमी रियलाइज करता करना क्या है, दिस इज द एंड ऑफ द गेम, आदमी फिर सोचता है कि अब नेक्स्ट जन्म में शायद मैं यहाँ से फिर टेक ओवर कर लूँ। सत्य मैं बता रहा हूँ आपको, हकीकत यही है, लोग शायद जान के नहीं बताते होंगे, मैंने तभी आपको बता दिया कि जब आदमी पहुंच जाता है कि अच्छा ये था, ऐसे होना चाहिए था, बहुत वक्त निकल गया होता। ऐसा नहीं कि लोग तब तक आपको नहीं सुनते हैं, दीवाने हैं ऐसी बात नहीं है, फैंस हैं, हर चीज़ सुनते हैं और जो आता है और पता है उनको सब कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको यू नो
शास्त्र के हिसाब से तोलते। अरे कैसे होना चाहिए था भाई, ये तो ऐसे होना चाहिए था। तो देखते हैं कि डिकेड्स चले गए उसको करते 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 करते। यही कंपटीशन की वर्ल्ड का भी है। अगर मैं आपको ये भी, मैंने अपने गाने बनाए हैं, एक एक गाने के 5-5 वर्षन हैं। गाना एक ही है, से कलामी शम्स फकीर है, बहुत बड़े शायर हैं कश्मीर के रहे हैं। एक गाना है, 5 टाइप की धुनें हैं, क्योंकि वो डायमेंशन ही उसका वैसा है, उसका सोच ही वैसा है। आपको उसी ढंग से कंपोजिशन करनी पड़ती है। कि कंपोजिशन ये है कि शायर के भाव को आप समझें और उसको ईजी करके लोगों तक पहुँचा दें, ये है कंपोजिशन। चाहे कलाम कितना ही मुश्किल ना हो, आप ये देख लीजिए गालिब साहब के कंपोजिशन, सैगल साहब ने गाई। हकीकतन अगर अमर कोई शायर हो गया वो गालिब ही है, बच्चे की जबान पे भी गालिब है। बाकी तो मोमिन खान यूसुफ ने, हालांकि एक से एक बढ़कर राइटर हैं, या जो बाकी फैज साहब का कलाम है, ये सब है, क्योंकि उनकी गजलों को इस ढंग से गाया गया वो सुपर हिट्स हो गई, तो पॉपुलरिटी बढ़ती है ना। ऐसा तो नहीं है कि बाकी शायरों ने नहीं लिखा, लेकिन गालिब साहब की पोइट्री को लोगों तक ईजी करके सैगल साहब ने बनाया, सैगल साहब ने पूछा, और कंपोजर्स ने जिन्होंने भी गजलें बांधी। तो कंपोजिशन तो ऐसे ही होनी चाहिए। ये सूफी शायर भाव खा रहे हैं, बहुत बड़े सूफी शायर हैं, उनका एक कलाम है। कलाम में भाव ये है कि ललवन थोनम नार, नार अगन, यानी उसने ये जो दर्द की अगन जो है उसको कंटिन्यू करके रखा मेरे अंदर, और मेरा करार वो ले गया। ये इसका मफहूम है। जिस ललून थोबु नमहाना न्यूनम करार बिसिए, ललून थोबु नमहाना न्यूनम करार बिसिए, गुंडनम अशिकुलहाना न्यूनम करार बिसिए, ललून थोनम न्यूनम करार बिसिए। गस हो छो मंजिल दूर, गस हो छो मंजिल दूर, वन कस गयास मजूर, गस हो छो मंजिल दू वन कस गयास मजबूर, सतगो खुश कुन्हानार न्यूनम करार बिसिए, सतगो खुश कुन्हानार करार बिसिए, ललून थोन न्यूनम करार बिसिए, गुंडनम उश न्यूनम करार बिसिए। तो ये सूफी शायर का एक कलाम जो कश्मीरी रंग का है। तो इसी तरीके के हजारों गाने हैं
जो अलग अलग पीर परंपरा के जितने भी राइटर्स हैं, ऋषि परंपरा के जिन्होंने लिखा हुआ है, पुराने हैं कुछ, मॉडर्न हैं। इस वक्त अगर आप कश्मीर के संगीत को देखेंगे, इस कंट्री का रिचेस्ट फोक ट्रेडिशन है, वहाँ रिचेस्ट फोक ट्रेडिशन आपको हज़ारों धुने नज़र आएंगे और वो धुने बनाई हुई हैं मेरी। अगर ओरिजिनल भी कुछ कोई धुन थी जिनके अंतरे नहीं थे, सिथाई पे ही होता था, उनके अंतरे मैंने बांधे। जैसे ये गाना बताओ, देखिए, बहुत ही अच्छा गाना, बड़ी अच्छी पुरानी एक मेलोडी है, उसमें अंतरा नहीं था। गाना ऐसे था, मसबूगो सही रात के प्याले हनोस, मसबूगो सही, ये ओरिजिनल मेलोडी है, इसके वर्शन, मसबूगो सही रात के प्याले हनोस, मसबूगो सही रात के प्याले हनोस, मसबूगो सही। अब अंतरा जो जुड़ गया, बड़ी ढल सुलुम छल मुख में हाविना, बड़ी ढल सुलुम छल, ये जो धुन मैंने बांधी है ये भाव अंग से लेके, इस शायर का जो इन्होंने बताया उस भाव को लेके ये अंतरा मैंने खड़ा कर दिया है। और देखिए उसके बड़े डल चुलम, ये जो डल है जिसमें रिसेंटली अनफॉर्चुनेटली बदनसीबी के पानी जिसमें भर गया, चुलम छल वो मुझे धोखा देके चला गया, बड़े डल, अब ये डल तो पूरा ब्रह्मांड है जो अकासी कर रहा है शायर, मुख में हाय बिना, अब वो दोबारा कब मुझे मिलेगा, खसमिनी तेल बल ना रहे हो, सो तेल बर एक और जगह है, तो मतलब इस तरह का उसका उपयोग, चला गया पता नहीं कब आएगा। देखिए, बड़ी ढल चलूं छल मुख में हाविना, बड़ी ढल चलूं छल मुख में हाविना, खसमी तेल बल नाल हनो, मसबूगो सही। इस तरह के बहुत सारे गाने हैं जिनके अंतराज जोड़ दिए। कश्मीरी छकरी, छकरी में हमारा वॉइस कल्चर बड़ा डिफरेंट आता है, उसको न कजाकिस्तान से कोई लेना देना, न उसको ईरान से, न तेहरान से, न किसी भी तान से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ कश्मीरी अच्छल गाता है, वो थ्रो ही वैसा है, और पोइट्री कंसेप्ट लेके, मेलोडिक स्ट्रक्चर्स लेके, वो सिर्फ कश्मीरियत डिफाइन करता है, और उसके लिए जिस वक्त कंपोजिशन बनेगी तो बड़ी सोच समझ के बड़ी साइंटिफिक कंपोजिशंस बनती थी जो बनाता था मैं, और वो अब मर्जर उसमें हो गया है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो मैं सुनता हूँ। मुझे याद है कि मैं उन दिनों प्रोड्यूसर था श्रीनगर स्टेशन पर, एक साहब ने फ़ोन किया, मेरा दोस्त था, बड़ा रईस था, कि अरे भजन भाई कल ज़रा हमारा फंक्शन है तो कोई फोक पार्टी आए, तो मैं कहा हाँ ज़रूर आएगा, पेमेंट क्या करो, बोलो पेमेंट क्या, वो तो बस मतलब उस वक्त तो 50-60 रुपये में, कहा क्या है भाई हमाकत है ये तो, मैं कहा तुम लोगों का लाखों तुम स्पेंड करते हो और तुम्हें म्यूजिशियन के लिए जिस वक्त पैसा निकालना होता है तो तुम्हें पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, मैं कहा बिल्कुल नहीं आएगा, मुझे दोबारा फ़ोन नहीं करना, तुम रिश्ता ख़त्म। फिर उसका आ गया, नहीं नहीं मैं वापस चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कहा कम से कम 1,000 भी दे दो कल इसको, तो ईश्वर की कृपा से फिर शुरू हो गया। क्योंकि अगर आप म्यूजिशियनों के दर्द को नहीं समझते तो आप प्रोपगेशन क्या कर रहे हैं, आप प्रिजर्वेशन क्या कर रहे हैं, प्रमोशन क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं आप, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, इस चीज़ को एक ये समझ के कि भाई ये मेरे नेशन का एक चीज़ है और मुझे इसको प्रिजर्वेशन करना ही करना है, और ये मेरा काम बनता है, मेरा दीन का फ़र्ज बनता है, मेरे ईमान का फ़र्ज बनता है। ये म्यूजिशियन की सिर्फ पेमेंट का मसला नहीं है, मसला है आर्ट को सर्वाइव करने का, आर्ट को एक दर्जा देने का, उसको एक अदब जो इज्जत बख्शने का है। पेमेंट मैटर नहीं करता, वो बेचारा निभा देगा, कोई बात नहीं, खाना तो सबको 2-3 रोटियां ही होता है, कोई ज़्यादा तो नहीं खाता,
लेकिन इज्जत से। अगर आप हर चीज़ पे इतना पैसा स्पेंड कर रहे हो, जिस वक्त आपकी म्यूजिशियनों की बारी आती है तो आप ये हो जाओ, और वो आप सिर्फ फोक और क्लासिकल वालों के साथ ही फिडल कर सकते हैं। अब बॉलीवुड से टीम आती है, आप वहाँ फिडल नहीं कर सकते, या कहीं भी जो चमक दमक वाली चीज़ आएगी वहाँ फिडल नहीं कर सकते। जो एक ट्रेडिशन लिए हुए है, जो जिस पे पीछे आपका सब कुछ डिपेंड कर रहा है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, साहब मैं ये हूँ, ये मेरा सरमाया है। आपके चीज़ों को नहीं देखा जाता कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कितनी हैं या पैसा कितना है, नहीं, आपका विरसा क्या है, आपकी हेरिटेज क्या है, आपका तखयल क्या है, आपने इनहेरिट क्या किया है, किस संस्कार को लेके आप चल रहे हो। मेरा ख्याल ये ज़्यादा ज़रूरी है।